हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक स्टोरी, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन इज स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? एकता में बल है। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ ओल्ड फार्मर, एक बार एक बूढ़ा किसान था। ही हैड फोर सन्स, उसके चार बेटे थे। They always quarreled with one another. तो वे आपस में झगड़ते रहते थे। The farmer was very sad. तो इससे जो किसान था बहुत दुखी था। One day the farmer fell ill. एक दिन वो किसान बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। He called his sons. उसने अपने बेटों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया। ही आस्क्ड देम टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स, उसने अपने बच्चों को एक लकड़ी का गट्ठा लाने के लिए कहा। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, तो उसने उनको उस गट्ठे को तोड़ने के लिए कहा। नन कुड ब्रेक, कोई भी उस गट्ठे को तोड़ नहीं सका। देन द बंडल वाज अनटाइड, फिर उस लकड़ी के गट्ठे को खोल दिया गया। नेक्स्ट डे नाउ ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, फिर किसान ने उनको वो लकड़ियाँ एक 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 करके तोड़ने को दी। ईच ब्रोक द स्टिक्स ईजली, और सबने उन एक एक लकड़ियों को आसानी से तोड़ दिया। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, लिव लाइक द बंडल, नन कैन हार्म यू, बोलते अगर तुम इन लकड़ियों की तरह इकट्ठा रहेंगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द फार्मर डाइड, फिर किसान मर जाता है। द सन्स लर्नड अ लेसन, तो बच्चों ने अपने पिता से सबक सीख लिया कि वो क्या बताना चाहते थे। तो नेक्स्ट डे दे नेवर क्वर्ल्ड अगेन, फिर उन्होंने कभी भी झगड़ा नहीं किया। तो इसका जो मॉरल है वो क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में बल है, कि हम एक जो ठोकर रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। एक बार हम इसको दोबारा रीड करते हैं ताकि आपको साथ साथ में ही ये स्टोरी लर्न हो जाए। वंस देयर वाज अ ओल्ड फार्मर, ही हैड फोर सन्स, दे ऑलवेज क्वर्ल्ड विद वन अनदर। द फार्मर वाज वेरी सैड, वन डे द फार्मर फेल इल, ही कॉल्ड हिज सन्स, He asked them to bring a bundle of sticks. He asked them to break it. None could break it. Then the bundle was untied. Now he asked them to break the sticks one by one. Each broke the sticks easily. The farmer said, "Live like the bundle. None can harm you." The farmer died. The sons learned a lesson. They never quarreled again. Moral: Union is strength. तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो